नमस्कार दोस्तों स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील मिस्टर यतिन ओझा के खिलाफ ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज किया गया है इस वीडियो में आपके साथ हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते एक सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा के खिलाफ यहाँ पे कंटेम्प्ट केस दर्ज किया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं सो so, मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी आईक्यू की एप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप आप एप आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने हमने एक खास कोर्स कोर्स लॉन्च किया है दैट बाय द नेम ऑफ पास्ट ईयर डिस्कशन सो इसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी पेपर डेफिनेटली इस कोर्स को बाय कीजिएगा ऑल सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हु इज यतिन ओजा राइट सो अभी आपको मालूम होगा कुछ ही महीने पहले की बात है जब प्रशांत भूषण के ऊपर अवमानना का मामला चल रहा था एंड वो काफी ज्यादा सुर्खियों में था नाउ दिस इज अनदर बिग केस जो कि यहाँ पे कंटेम्प्ट को लेके सुर्खियों में आया है तो so, बात करते हैं सबसे पहले यतिन ओझा कौन है सो so, ये ही वॉज एक्चुअली डेजिग्नेटेड इन नाइनटीन नाइन नाइन एज अर एडवोकेट उसके पहले ये केवल एक एडवोकेट थे एंड एक सीनियर एडवोकेट का औहदा देना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है कोई भी हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन जब किसी को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देता है राइट एंड सब्सिक्वेंटली ये तब से लेकर अभी तक ही इज फंक्शनिंग एज द प्रेजिडेंट ऑफ द गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑल्सो कॉल्ड एज गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन फ्रॉम लगभग टू डेकेट्स सो so, पिछले 20 सालों से ये उस पर्टिकुलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं अब क्या होता है ड्यूरिंग द लॉकडाउन मई महीने की बात है आपको ध्यान होगा लॉकडाउन स्टार्ट कब हुआ था मार्च 24-25 के आसपास लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सो so, तब से लेकर काफी लंबे समय तक कोर्ट्स बंद रही जिसकी वजह से जो बेसिकली आपकी सुनवाइया थी वो होती थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर क्या हुआ मई महीने के अंत में लगभग 30 मई के आसपास की बात है यहां पे यतिन ओझा ने कहा कोर्ट्स जो हैं उनकी फिजिकल रीओपनिंग होनी चाहिए यानी कि वो फिर से नॉर्मली खुल जानी चाहिए लोगों की सुनवाईयां कोर्ट में ही जाके होनी चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नहीं होनी चाहिए इनफैक्ट कुछ ही दिनों के बाद पांच जून को यतिन ओजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया एंड ये वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई थी इसमें उन्होंने ये कहा ही मेड सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस एट द कोर्ट इस पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आपके सामने अब हम पेश करने वाले हैं दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिच ही सेड सो एसेंशियली ओजा लेवल्ड एलिगेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिस बींग अडोप्टेड बाई द रजिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ठीक है so केयरफुली आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस कौन कर रहा है रजिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात नाव रजिस्ट्री क्या होती है जो की वहां का प्रशासनिक कारोबार देखती है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वैसे ऑफिस की बात करें मान लीजिए आप किसी एस डी एम के या किसी डीसी के ऑफिस की बात करते हैं डीएम के ऑफिस की बात करते हैं डीएम so, या डीसी के ऑफिस में एक होता है डीएम उसके अलावा जो भी लोग होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं सिमिलरली एक कोर्ट में कुछ होते हैं जजेस उसके अलावा होती है रजिस्ट्री राइट विच इंक्लूड द क्लर्क एंड एवरी थिंग एल्स इसको बोला जाता है रजिस्ट्री जो कि एक तरीके से आपके पूरे के पूरे कोर्ट का प्रशासनिक कारोबार को संभालती है सो so, इन्होंने यहाँ पे एलिगेशन लगाए कि यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही हैं बाय द रजिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड ही ऑल्सो सेड फेवर दिया जा रहा है टू हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड स्मग्लर एंड ट्रेडर्स एंड दैट दाईकोर्ट इज फंक्शनिंग ओनली फॉर द इनफ्लुए रिच पीपल एंड देयर एडवोकेट्स ये केवल उन लोगों के लिए फंक्शन कर रही है जो यहाँ पे अमीर है और जो यहाँ पे प्रभावशाली लोग हैं एंड इन्होंने ये भी कहा कि बिलीनियर वॉक अवे विद ऑर्डर फ्रॉम दाई कोर्ट इन टू डेज वेयर एज द पुअर एंड द नॉन वी आई पी सफर की जो तो होते हैं करोड़पति वो यहाँ पे दो दिनों में निकल जाते हैं लेकिन जो गरीब होते हैं नॉन वी आई पी होते हैं उनको यहाँ पे सफर करना पड़ता है फाइनली ही सेड

राइट सो कोर्ट वॉज अपसेट नॉट ओनली बाय द बायिगेशन दमसेल्स बट जो तरीका इन्होंने यहाँ पे अपनाया कि एक तो आप कुछ बोल रहे हैं उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर चीज का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी वजह से कोर्ट वॉज नॉट ओनली अपसेट फॉर वट ही सेट बट ऑल्सो बाय द मीन विच क्या होता है हाई कोर्ट का रिएक्शन इमिडिएटली 9 जून को दो कोर्ट डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम इमिजिएटली चार या पांच दिन के बाद यहां पे ओजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस जून पांच को हुआ था तो जून नौ को हाईकोर्ट का एक डिविजन बेंच बैठता है जिसमें दो जस्टिस बैठते हैं जस्टिस सोनिया गोकानी एंड एनवी इन्होंने सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम की प्रोसीडिंग्स ओझा के खिलाफ जारी कर दी नाउ जिन बच्चों को सुओ मोटो के बारे में नहीं मालूम तो सुओ मोटो बेसिकली क्या होता है कि यहां पे अगर कोई तीसरी पार्टी आके कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है उसके बगैर भी यहां पे कोर्ट के पास पावर रहती है कि वो खुद से यानी कि अपनी डिस्क्रेशन से किसी के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्टेम की प्रोसीडिंग्स को शुरू कर सकती है दैट इज कॉल्ड एज सुओ मोटो ठीक है एंड यहां पे क्यों शुरू की गई थी फॉर रेजिंग एक्यूजिंग फिंगर्स अगेंस्ट हाई हाई कोर्ट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रजिस्ट्री ठीक है ये वॉज दिस वॉज द एग्जैक्ट रीजन जिसके चलते यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को शुरू कर दिया गया एंड जब प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया गया साथ ही में यहाँ पे हाई कोर्ट हाँ के डिविजन बेंच ने जो रजिस्ट्री थी उसको क्लीन चिट भी ऑफर कर दी इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे एलिगेशन लगाई गई हैं रजिस्ट्री के ऊपर वो सरासर गलत हैं। अ क्लीन चिट टू द कोर्ट रजिस्ट्री ठीक है एंड इन फैक्ट ये वाली जो पर्टिकुलर रिपोर्ट थी इन्होंने ये रिपोर्ट यतिन ओजा को भी आ, को भी भेजी एंड इन्होंने ये भी कहा कि ऑल द ग्रीवांज विच आर मेड बाय ओजा विदाउट एनी फाउंडेशन एंड देर फैक्सन ओजा के ऊपर डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट यह चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और यह चैलेंज करते हैं किस चीज को अभी तक देखिए केवल सुनवाई शुरू हुई है कोई यहां पर सेंटेंस नहीं दिया गया था इनके खिलाफ कोई यहां पर पनिशमेंट इनको नहीं दी गई थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट केवल इस चीज पे मूव कर दिया कि दी ऑर्डर ऑफ द सुओ मोटो जो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का है सुओ मोटो इसको लेकर ये चैलेंज कर रहे थे लेकिन इसके कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने अपने पिटिशन को विड्रॉ भी कर लिया क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार रखा कि हम यहाँ पे इतनी जल्दी इस केस के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इट वुड बी प्री मेच्योर ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट इसके टाइम पे क्या होता है यहाँ पे मीनवाइल मीटिंग ऑफ द फुल कोर्ट ऑन जुलाई 18 फुल कोर्ट किसकी बात हो रही है हाई कोर्ट की बात हो रही है गुजरात हाई कोर्ट की बात हो रही है इन्होंने यहाँ पे जो सिफारिश की गई थी डिवीजन बेंच के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया एंड क्रिमिनल कंटेंट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया अगेंस्ट ओजा सो जो कि कुछ टाइम के लिए रुक गई थी बिकॉज़ ओजा हैड मोड सुप्रीम कोर्ट उसको वापस से शुरू कर दिया गया एंड यहां पे ये भी फैसला लिया गया कि जो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यानी कि यतिन ओझा हैं इनको इनके से भी यहाँ पे छीन लिया जाएगा, इनका इनसे छीन लिया लिया जाएगा जाएगा इनका इनसे ठीक है ही शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ हिज हिस्सिग्नेशन एज अ सीनियर एडवोकेट एंड सब्सिक्वेंटली फिर वो प्रेसिडेंट वाला भी इनसे छीन लिया जाता है राइट नाउ इसके चलते ओझा फिर से चले गए सुप्रीम कोर्ट ओझा अगेन मूव द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द फुल कोर्ट टू डाइवेस्ट हिम ऑफ इज टाइटल उन्होंने कहा कि आप मुझसे मेरा ये टाइटल नहीं छीन सकते हैं ठीक है ये फिर से सुप्रीम कोर्ट नाउ इसके बाद जो पूरा का पूरा मामला था इसको कुछ समय के लिए कर दिया गया, कुछ समय के लिए इसको होल्ड प्रोसीडिंग्स बिफोर द गुजरात हाईकोर्ट राइट सुप्रीम कोर्ट वेरी ओवर हेयर सेड कि जब तक आपके खिलाफ जो चल रही कार्रवाई है जब तक उसका फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक हम यहां पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक हम यहां पे इंटरवेन नहीं करेंगे राइट सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ओवर हियर वाज वेरी वेरी राइट इन सेइंग कि फाइनल पहले आ जाए फैसला उसके बाद हम आपको लेकर यहां पे देखते हैं ठीक है अब क्या हुआ अब जब क्या हुआ वापस ओजा आ जाते हैं हाईकोर्ट में यहां पर आके इन्होंने माफी मांग ली और कंटेम्प्ट अक्सर अगर यहां पर जो बेसिकली जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है अगर वो माफी मांग ले तो उसको माफी दे दी जाती है इस टाइम में क्या हुआ? एन टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ इम्रॉपर कॉन्डक्ट बाई ओजा एक और वकील आते हैं और उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ कि जतिन ओजा ने यहां पर कॉन्टेम ऑफ कोर्ट का कुछ किया है ये पहले भी ये कर चुके हैं so, इस टाइम पे क्या हुआ कोर्ट ने इस एडिशनल मटेरियल को परमिट कर दिया कि हम इसको भी परमिट करेंगे और इसको भी इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे आप देख सकते हैं क्रिमिनल कॉन्टेंट प्रोसीडिंग्स जतिन ओजा इश्यूज अपोलॉजी बट गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट इंटरवीन सो एक थर्ड पार्टी आके यहां पे इंटरवीन करती है इंपॉर्टेंट टू नोट यहां हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एडवोकेट को थर्ड पार्टी की तरह एडमिट नहीं किया लेकिन उसके द्वारा दिया गया जो एडिशनल मटेरियल था जो एडिशनल एविडेंस था उसको परमिट कर लिया टू बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इन दी प्रोसीडिंग्स क्लियर है नाउ इसके चलते क्या हुआ क्योंकि ये नया मटेरियल सामने आ गया था तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ओजा की माफी को नहीं माना उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी अपॉलॉजी को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं ठीक है इवेंचुअली ओजाज अपॉलॉजीड से टू द फुलर्ट एंडिविजन बेंच वर रिजेक्टेड एट द

कॉन्टेम्ट ऑफ कोर्ट क्यों इन्होंने दो बार एक सिटिंग जज के ऊपर आरोप लगाया था उसके बाद 2016 में भी इन्होंने यही चीज की थी इन्होंने एक टाइम पे दो सिटिंग जजेस के ऊपर आरोप लगाया था एंड दोनों टाइम में इन्होंने उसके बाद माफी मांग ली ठीक है एंड जो प्रोसीडिंग्स थी जो कार्रवाई थी उसको वहां पे रद्द कर दिया गया नाउ द हाई कोर्ट सेड कि अगर हर बार ये ऐसा करते हैं और हर बार माफी मांग लेते हैं इसका मतलब कि इनकी जो माफी है इट इज नॉट बोनाफाइड एंड इट लैक्स सिंसियरिटी यानी कि ये झूठी माफी मांगते हैं

So, अपने बचाव में और अपनी दलील पेश करते हुए ओजा ने कहा दैट ही हैज रिपीटेडली स्ट्रेस्ड दैट ही हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द बार कि मैं काफी लंबे अरसे से यहाँ पर एक प्रतिष्ठित सदस्य हूँ इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का ठीक है एंड हिज ट्रांसग्रेशन हैज बीन एन है उन्होंने ये भी कहा कि ही होल्ड्स द जजेस इन दाइएस्ट रिगार्ड इन्होंने केवल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड यानी कि केवल रजिस्ट्री के ऊपर आरोप लगाए थे इन्होंने किसी जज को लेके कुछ नहीं बोला ठीक है लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने अगेन इन्होंने बोला ने साथ में ये भी क्लैरिटी दो यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर आरोप लगाए थे लेकिन दैट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द जुडिशियल कि जो यहाँ पे प्रशासनिक हिस्सा है कोर्ट का न्यायपालिका का वो भी कही कहीं ना कहीं न्यायपालिका का ही हिस्सा माना जाता है ठीक है एंड आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज आप एक काफी सीनियर मेंबर हैं कि आप यहाँ पे जिस जो स्टेचर आप होल्ड करते हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन को मलाइन करेंगे ठीक है नाउ दिस इज द लेटेस्ट जो कि अभी तक हुआ है ठीक है अभी तक कोई सेंटेंस अनाउंस नहीं किया गया है एंड अभी तक केवल इतनी ही सिचुएशन हुई है नाउ अगेन यहाँ पर क्या हुआ है कि ओजा ने डिविजन बेंच जो कि हाईकोर्ट का बैठा था उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा सेंटेंस अभी तक मत सुनाइए मीन वाइल ओजा हैज डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट बाय सेइंग कि उनको कॉन्विक्ट कर दिया गया है अंडर कॉन्टेम ऑफ कोर्ट लेकिन सेंटेंस नहीं सुनाया है सो नाउ ओजा हैज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड दिस इज द फाइनल थिंग विच हैजपन

कि या तो आप किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करते हैं ठीक है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रेजुडाइज या फिर इंटरफेयर करते हैं किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ठीक है और क्या क्या यहाँ पे कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट नहीं है वो भी यहाँ पे दिया गया है आप इसको देख सकते हैं आई थिंक आपने सभी इसको देखा होगा ड्यूरिंग द प्रशांत भूषण केस हमने काफी डिटेल में इसके बारे में बात की थी नाउ द फाइनल क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क इज आपको क्या लगता है क्या ओजा यहाँ पे कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट में है या नहीं है ठीक है क्या आपको लगता है ही वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या वो यहां पे न्याय के प्रशासन में किसी ना किसी तरीके से बाधा डाल रहे थे या नहीं आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ